अगर आप पैसे होले चाहते हो कि पैसे वाले बन जाए तो ये अमल जरूर करना, हाँ सो बार है और ये दुरुस्त रहे अल्लाह का बंदा है। आखिरी बात, निकाह क्या है सुनिए, ताकि इस मकसद से हम बैठे हैं ना, निकाह क्या है, निकाह आका की सुन्नत क्या है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला निकाह होती है ना तो फरिश्ते भेजता है, क्या फरिश्ते, और उसके बाद जब दुआ हो ना दुआ, एक शख्स आया आज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान हो, दुआएं कबूल नहीं होती, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जहां भी निकाह हो दावत हो ना हो कोच जाना, अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल अता फरमाएगा। तो निकाह हो तो वहां बैठ जाओ, इसलिए एक दिन फरिश्ते आते हैं, तो जब कुरान पढ़ाता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कुरान पढ़ते ना अल्लाह अलीफ लाम मीम, ये तीन है, तीन हरूफ है, अलीफ पर अल्लाह फरिश्ता बैठा हर पाता है, दस देखिए आता हर पाता है, जो खुतबा पढ़ाता है ना और जब दुआ मौला सब करते है ना तो आमीन फरिश्ते कहते हैं और दुआएं कबूल हो जाती है। वो शख्स आया आका हर मेरी तमन्ना पूरी हो गई, तो जहां निकाहो और जाया करो, और सिर्फ बिस्मिल्लाह की क्या फिर सुनिए, मौला सब कहते बिस्मिल्लाह रहमानी रूपये आहिस्ता से पढ़ो, बिस्मिल्लाह रहमानी, बिस्मिल्लाह रहमानी रहीम के 1919 अल्लाह एक एक खरब पे चार चार नेकिया आता फरमाता है, तो 76,000 नेकिया मिलेगी, 76 गुना भाव 76 बुलंद हो जाएगा। और जो कलमा भी कलमा पढ़ा तुम भी आहिस्ता से पढ़ो, अव्वल कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, या कलमा पढ़ोगे जन्नत में महल पैदा हर बात, और ला इलाहा इल्लल्लाह के 12 और अल्लाह एक एक अरब पे एक नेकिया आता हर बात, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 और पे अल्लाह 12,000 गुना माफ करवा दे। ये है निकाह, लेकिन दो रकात नफल पढ़नी, क्या अब सुनिए, दुल्हन की दुल्हा भी पढ़े दुल्हन भी पढ़े, दुल्हा दुल्हन दोनों पढ़े, अगर दुल्हन को दुआ मांगने आती है तो दुल्हा आमीन कहे, वरना दुल्हा दुआ करे दुल्हन आमीन कहे, दो रकात पढ़ने के बाद। निकाह की रात में दुआएं कबूल होती है याद रखना, और सबके लिए करना, एल्ला मेरे माँ बाप की रोजी बरकत अता हर माँ, मेरे दादा दादी की बख्शिशी अता हर माँ, मौला पूरे हिंदुस्तान में अमान अता हर माँ, हर एक को नेक बनने की तौफीक अता हर माँ, सबको नमाजी बना और सबको आदि बना, बेन भी करे दुल्हन भी करे दुल्हा भी करे दुआ, इसलिए कि रात को दुआएं रद्द नहीं होती, दुआएं कबूल होती है, दुआएं कबूल होती है। इसलिए मेरी एक ही अर्ज है कि जब भी दुआ करो हम सबके लिए करना, सबको अल्लाह हाजी बना दे।